एक साथ सीखने में शिक्षक छोटे समूह में छात्रों को एक साथ एक गतिविधि करने के लिए कहते हैं। विद्यार्थी गतिविधि करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। शिक्षक केवल जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। शिक्षक प्रत्येक छात्र के लिए एक ही छात्र को साथ नहीं रखता, बल्कि समूह को बदलता है। इस तरह से छात्र अलग अलग सहयोगियों से सीख सकते हैं। इसलिए एक साथ सीखने में शिक्षक छात्रों को समूह में रखते हैं। उन्हें कार्य करने में मुख्य भूमिका निभानी है और अलग अलग कार्य के लिए समूह बदलता है। इस तरीके में छात्रों को साझा करने, दूसरों के साथ मिलना और एक साथ काम करना सीखने में मदद मिलती है।